चेहरे का कालापन दाग धब्बों को मिटाकर चेहरा बेहद गोरा और सौंदर्यवान बनाने का ऐसा बेहतरीन घरेलू नेचुरल होम रेमेडी आपने शायद अब तक नहीं देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन नेचुरल होम रेमेडी लेकर के आया हूं जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के कालेपन को दूर करके अपने चेहरे को बेहद गोरा, ब्राइट, फेयर और सॉफ्ट बना पाएंगे। दोस्तों, ये जो रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसमें दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज कि यह रेमेडी बहुत ही सस्ती है, बहुत ही कम खर्च में आप अपने चेहरे के दाग धब्बों को, चेहरे का जो कालापन है उससे मिटाकर अपने चेहरे को बेहद फेयर, ब्राइट और गोरा कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ब्यूटी पार्लर जाना और महंगे महंगे इलाज कराना, फेशियल कराना सब लोगों के बस में नहीं है। तो बिल्कुल न्यूनतम खर्च में आप सस्ते तरीके से अपने चेहरे को ब्राइट करना चाहते हैं, फेयर बनाना चाहते हैं, सौंदर्यवान बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए यह नुस्खा बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और दूसरी चीज दोस्तों कि यह नुस्खा बिल्कुल नेचुरल है। इसमें जो भी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, यह घर पर मिलती हैं, यह बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है और यह बिल्कुल सेफ है। क्योंकि अपने चेहरे को गोरा करने के लिए चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे, इनको दूर करने के लिए लोग तरह तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें केमिकल होता है और कई बार दाने तक निकल आते हैं, नुकसान भी होता है, पैसे खर्च होते हैं। तो सेफ तरीके से आप अपने चेहरे को भी क्लियर करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, एक चेहरे पर रौनक लाना चाहते हैं, तो यह नुस्खा आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो लड़के लड़कियां सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आज के इस नुस्खे को एक बार अंतिम तक ध्यान से देखिएगा अपने फायदे के लिए। और जब आप इसको लगाएंगे अपने चेहरे पर तो आप लोगों को 2 से 3 दिन में इसका असर आपको दिखने लगेगा और आपके चेहरे पर एक बहुत ही जबरदस्त रौनक आएगी, सौंदर्य आएगा, चमक आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस नुस्खे को शुरू करता हूं। दोस्तों, इस नुस्खे में जो आपको सबसे पहली चीज लेनी है वो लेनी है दोस्तों आपको, ये देख रहे हैं आप, लगभग आधे चम्मच के आसपास आपको लेना है बेसन। ठीक है, बेसन एक ऐसी चीज है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जब चेहरे को साफ करने की या चेहरे को गोरा करने की, स्किन वाइटनिंग की, स्किन ब्लीचिंग, जो भी चीजें होती हैं, इनके लिए आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यह सदियों से इस्तेमाल की जाती है और यह बिल्कुल सेफ होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है और महंगी नहीं होती, कोई बहुत सस्ती होती है। इसके बाद दोस्तों, हम इसमें जो अगली चीज मिलाएंगे वो आपको मिलाना है, ध्यान से देखिएगा, लगभग इतनी मात्रा। ठीक है, लगभग आपको 1 चम्मच जो है आपको इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करना होगा। एलोवेरा जेल आपको घर पर आसानी से मिल जाएगा और एलोवेरा जेल स्किन को काफी टोन करता है, जो स्किन का रूखापन होता है उसे दूर करता है, जो आपकी स्किन में एक जो मुरझाया सा स्किन होता है उसमें रौनक लाता है, उसमें जान लाता है, चमक लाता है। तो इन दोनों को पहले हम आपस में मिक्स करेंगे। लड़के लड़कियां, हर एक कोई से मैं कह रहा हूं कि अपने चेहरे को सचमुच गोरा करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, तो इस नुस्खे को आखिरी तक देखिएगा। यहां पर हमने इसे इस तरीके से मिक्स कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों जो हम अगली चीज इसमें मिक्स करेंगे वो आपको लेनी है लगभग इतनी मात्रा, आधे चम्मच के आसपास दोस्तों, आपको इसमें चावल का आटा, चावल का पिसा हुआ आटा, आटा आपको आसानी से मिल जाएगा। चावल का पिसा हुआ आटा स्किन को, स्किन वाइटनिंग में बहुत काम आता है, यह स्किन के पोर्स में जाकर कालेपन को मिटाता है और स्किन पर एक ग्लो लाने के लिए, स्किन को शाइनिंग बनाने के लिए यह हमारे बहुत ही ज्यादा काम आता है। इस तरीके से हमने एलोवेरा जेल
बेसन और चावल के आटे को मिक्स कर लिया। इसे कैसे लगाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कितनी देर लगाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं केला, ठीक है। तो आपको केले के छिलके को लेना है, ठीक है। केले के छिलके को आप लें, केले के छिलके में ऐसे तो पाए जाते हैं जो स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, फायदेमंद होते हैं, कालेपन को दूर करते हैं, स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। तो आप लगभग इतना छिलका लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसे बिल्कुल बारीक इसे पीस करके इसका पेस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। इसे पेस्ट बना लीजिएगा, यहां पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और थोड़ी देर पहले मैंने इसे बनाया था, तो इसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। जब आप इसे पीसेंगे तो पीसने के बाद इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। आप इसे लेकर के इस सब को आपस में मिक्स कर लें, ठीक है। आप इन सब को आपस में लेकर के आप मिक्स कर लें। अब दोस्तों इसे कैसे लगाना है, कब लगाना है, अब आपको क्या करना होगा कि आप इसे लेकर के अपने पूरे चेहरे पर, मैं बता देता हूं, पूरे चेहरे पर, पूरे गर्दन पर एक लेप की तरह आप इस तरीके से लगा लें, ठीक है। चेहरे पर, पूरे गर्दन पर आप इसे एक लेप की तरह इस तरीके से लगा लें और कम से कम आधे घंटे के लिए अपने चेहरे पर इसे रखें। आधे घंटे के बाद आप धो लें। हर दिन इसका प्रयोग करें, दिन में, रात में, जब भी आपके पास वक्त हो आप इसे लगा करके अपने चेहरे पर रखें, फिर अपने चेहरे को धो लें या नहाने के पहले आप इसे लगा लें, फिर आप नहा लें, तो इसका प्रयोग करें दोस्तों। आप पाएंगे कि आपका चेहरा इससे स्मूथ भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, चेहरे पर एक रौनक आएगी, कालापन दाग धब्बे मिटाकर आपके चेहरे को फेयर और ब्राइट करने के लिए यह आसान सा, सस्ता सा घरेलू उपाय आपके बहुत काम आएगा।